इस प्रोग्राम के बारे में तो वैसे बहुत कुछ पहले से ही बताया जा चुका है। ये एक फैशन शो है जो कि एक नॉर्मल और हैंडीकैप लोगों के बीच में किया जा रहा है। जो मेन मकसद है इसका हैंडीकैप लोगों को आगे लाने का है, उनको लोगों को ये दिखाने का मकसद है कि वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही बहुत अच्छे से रैंप वॉक भी कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि उन सब लोगों सब लोग आगे आए, उन लोगों का साथ दें, उनको बढ़ावा दें और नॉर्मल लोगों की तरह ही उनको समझे भी और उनको साथ व्यवहार भी करें। मेरा नाम मनीष है और मैं नीलम जी से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं एंकरिंग भी करता हूँ, फैशन कोरियोग्राफर भी हूँ, बाकी सोशल कॉज भी मैं करता रहता हूँ। और मैं जिस तरह से नीलम जी ने मुझे आज के प्रोग्राम में बुलाया, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हैंडीकैप लोगों को एक मौका दिया गया है। कहते ना कि टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, चाहे कोई भी हो, हर इंसान के अंदर दिल है, हर इंसान के अंदर हुनर है, हर कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन लोगों को मंच नहीं मिल पाता और मंच मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो नीलम जी ने मंच दिया है, मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ नीलम जी को और इवेंट को कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आए थे जिनके अंदर टैलेंट है और वो लाइफ में कुछ करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, उन्हें सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ मनीषा रॉय। जनकपुरी डी ब्लॉक में IMA मेडिको हाउस में आयोजन हुआ मिस्टर मिस मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2019 जिसका आयोजन हुआ है NK इवेंट्स एंड DR फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जूरी मेंबर जो कि बताएंगे कि ये इवेंट किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा इस इवेंट में। ये एक ऐसा इवेंट है जो प्लेटफॉर्म देता है यंग टैलेंट्स को, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो सभी के सामने आए और अपने हुनर का सभी के सामने प्रदर्शन करें। तो आइए जानते हैं हमारे जूरी मेंबर से कि क्या कुछ आज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ अभी इस इवेंट के जूरी मेंबर मनीषा जी मौजूद हैं। तो मैम, आज जो इवेंट यहाँ पे हमें जो ऑर्गेनाइज किया गया है, तो क्या कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं नीलम सैनी जी और हर्ष यादव जी, हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे उनको कि उन्होंने बहुत इज्जत अफजाई दी हमें, जूरी मेंबर के तौर पर हमें यहाँ पर बुलाया। सेकेंड वन, यहाँ पे कम से कम 90 पार्टिसिपेट मॉडल्स यहाँ पे आज रैंप करेंगे जिनको हम दुबई की एक ट्रिप देंगे और उनको हम बॉलीवुड में काम देने का भी मौका देंगे। मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ तो हमारी ओर से जो भी होगा, मूवीज़, एड्स, फिल्म्स जो भी होंगी, हम उनको काम भी देंगे उसमें। हमारे साथ हमारी दूसरी जज साहिबा मौजूद हैं, पायल गुप्ता जी। तो आज का जो इवेंट है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है ताकि अपने जो टैलेंट है उसको सबके सामने वो और खूबसूरती से निखारें और पेश कर सकें? मैं तो आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष यादव जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर ज्यूरी मेंबर के बतौर मुझे इन्वाइट किया है और यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतने अच्छे पार्टिसिपेटर्स हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच है और डेफिनेटली जिसके अंदर हुनर है उसे आगे जरूर मौका मिलेगा। मैम ने बताया ही है कि फिल्म के डायरेक्टर्स कुछ यहाँ पे आए होंगे जो आगे उनको प्रमोट कर सकते हैं और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी में भी दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच। और एक बहुत ही प्यारा बच्चा मेरे साथ है, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही थी। तो आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस एंड मिसेस का शो नहीं है, किड्स फैशन शो भी है। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी यहाँ भतीजी जूरी बन के आई है और उनके साथ मेरे को भी ये देखने का मौका मिला, आज मेरा मन बड़ा खुश हो गया। अगर मुझे ये पहले मौका मिला होता तो मैं और बच्चों को भी बड़ा प्रेरित करती इससे। मैं बड़ी प्रभावित हुई हूँ और मैं चाहती हूँ ऐसे इवेंट होते रहे, इससे बच्चों को आगे मौका मिलता रहे। धन्यवाद। हमारे साथ एक और पेरेंट यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी छोटी सी जो गुड़िया है वो आज यहाँ पर आई है एज अ पार्टिसिपेंट बनके। तो आइए जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि उनके बच्चों को इतने कम उम्र में इतना अच्छा मौका मिल रहा है ताकि वो उसका अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। उससे पहले उनकी मम्मी से बात करने से पहले आइए बात करते हैं इस छोटे बच्चे से कि कैसा लग रहा है उनको आज। आपको कैसा लग रहा है इस इवेंट में आप आए हो, रैंप वॉक करने वाले हो? माय नेम इज उन्नति जैन, आई एम 5 इयर्स ओल्ड। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? मुझे आगे बहुत अच्छा लगा और मेरे न्यू फ्रेंड्स भी बन गए। अच्छा, आज आप क्या करने वाले हो इस इवेंट में? आज हमारा फैशन शो है, उसमें हम हमको रैंप करना है, रैंप करना है, मैं डांस करूंगा और मैं डांस भी करूंगी। ओके, अच्छा आई इनकी मम्मी से जानते हैं कि कैसा लग रहा है आपको? मैम एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि हाउ माय डॉटर विल परफॉर्म ऑन द स्टेज एंड व्हाट शी विल डू, बट सीरियसली आई एम वेरी टू मच एक्साइटेड।